दिखाते हैं इस वक्त की तस्वीर। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। इजराइल से यूएई की सीधी फ्लाइट पहली बार शुरू हुई। इस विमान ने सऊदी के ऊपर से उड़कर इतिहास रच दिया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान कल अबू धाबी में उतरा। इस विमान में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शब्बाद के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधि मंडल भी यूएई पहुंचा। इजराइल और यूएई ने 13 अगस्त को घोषणा की थी कि वो कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसी के तहत कहीं ना कहीं ये जो पहली फ्लाइट है ये शुरू हुई और कल इसने उड़ान भरी अबुधाबी में। ये प्लेन उतरा और आपको ये भी बता दें कि इस फ्लाइट में इसराइल के एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शब्बाद के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधि मंडल भी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात पहुंचा। और इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात में 13 अगस्त को ये घोषणा की थी कि वो कूटनीतिक संबंध स्थापित कर रहे हैं और उसी के तहत ये एक दोस्ती की तस्वीर है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।